हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 शॉकिंग लीक्स प्लान्स फॉर WWE 2020। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे सरप्राइज जो कि इस साल 2020 में हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि अभी लीक्ड होके आ गई है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखो एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा ही गाइस, आपको पता हो कि इस साल का और को नहीं बल्कि मनी इन द बैंक हमें ओटिस देखने को मिले हैं, क्योंकि एजे स्टाइल के हाथ से छूट जाता है और ओटिस हमारे न्यू मनी इन द बैंक का विनर बनते हैं। लेकिन गाइस, अभी आपको पता हो कि सेमस का हमें राइवलरी देखने को मिल रहा है जेफ हार्डी के साथ। लेकिन गाइस, विंस मैकमैन नहीं चाह रहे हैं कि ओटिस के हाथ में रहे मनी इन द बैंक। तो गाइस, ऐसी अभी बैक स्टेज रूमर्स आ रहे हैं कि समर स्लैम के बाद अगर कोई भी पेपर व्यू हमें देखने को मिलेगा तो वहाँ पर हमें स्टोरी देखने को मिलेगा ओटिस वर्सेज सेमस के बीच में। और अगर समर स्लैम के बाद कोई भी पेपर व्यू देखने को हमें मिलता है तो ओटिस वर्सेस सेमस का मैच देखने को मिलेगा, जिसमें मनी इन द बैंक ऑन द लाइन जाएगा। और सबसे ज्यादा गाइस ट्विस्ट इस मैच में ये होने वाला है कि इस मैच को और कार्निवल के सेमस जीत जाएंगे और वो हमारे 2020 मनी इन द बैंक के विनर होंगे। और जैसा कि गाइस मैंने आपको शुरुआत में बोला, विंस नहीं चाह रहे हैं कि उनके पास चैंपियनशिप ये बोले कि चैंपियनशिप जाए और मनी इन द बैंक जाए। तो गाइस, ऐसा हो सकता है कि ये मैच हमें देखने को मिलेगा और इस मैच को और कोई नहीं बल्कि सेमस जीत जाएंगे और वो हमारे 2020 मनी इन द बैंक के विनर होने वाले हैं। और जैसा ही गाइस आपको मेरे थंबनेल में देखा होगा, तो मैंने वहां पे दिखाया था कि द बिग डॉग रोमन रेंस ट्रेडेड टू मंडे नाइट रॉ या ड्राफ्टेड टू मंडे नाइट रॉ और बीस्ट ब्रॉक लेसनर ड्राफ्टेड टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। अब जैसा ही गाइस आपको पता हो कि दोनों रेसलर काफ़ी दिन से गायब हैं, यानी कि रेसलमेनिया 36 से ही गायब हैं। लेकिन गाइस, विंस मैकमैन चाहते हैं कि जब हमें द बिग डॉग रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलेगा, वो चाहते हैं कि वो एक ब्रॉक लेसनर के ही लुक में आए। तो जैसा कि गाइस आपको पता हो कि इससे पहले साल हमें ड्राफ्ट देखने को मिला था, जिसमें काफ़ी अच्छा ये ड्राफ्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन गाइस, अब ये रूमर्स आ रहे हैं कि इस साल फिर से हमें ड्राफ्ट देखने को मिलने वाला है और उस ड्राफ्ट में ट्विस्ट हमें ये देखने को मिलेगा कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर जा सकते हैं ड्राफ्ट होके फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, द बिग डॉग रोमन रेंस जा सकते हैं ड्राफ्ट होके मंडे नाइट रॉ में। अब जैसा ही गाइस आपको पता हो कि दोनों ब्रांड का व्यूअरशिप बहुत कम आ रहा है और विंस नहीं चाह रहे हैं कि उनका व्यूअरशिप कम जाए, क्योंकि उनका व्यूअरशिप जाएगा तो उनके जितने भी अगर मेंबरशिप उन्होंने लिए है कोई भी अगर फॉक्स के साथ या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में या ये बोले कि मंडे नाइट रॉ में यूएसए के साथ, तो वो डील खत्म हो जाएगा। तो गाइस, विंस नहीं चाह रहे हैं कि उनका जो वो रेटिंग है वो घटे, तो वो चाह रहे हैं कि ये जो दोनों सुपरस्टार है वो एक बार फिर से ब्रांड स्प्लिट हो और ब्रांड स्प्लिट होने के बाद एक सुपरस्टार मंडे नाइट रॉ पे चला जाएगा और दूसरा सुपरस्टार हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे जाते हुए नजर आ सकता है। अब जैसा ही गाइस आपको पता हो कि अभी से कुछ दिन पहले हमें देखने को मिला था कि ट्रिपल एच का सेलिब्रेशन। तो गाइस, ये सेलिब्रेशन और कोई नहीं बल्कि फिर से हमें एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है और ये सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलेगा इन फ्रंट ऑफ क्राउड। अब जैसा ही गाइस आपको पता हो कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कंपनी के काफ़ी बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं और उनका भी 25 साल हो चुका है कंपनी में, मे बी अब होने वाला है। तो गाइस, विंस मैकमैन चाहते हैं कि जब उनका 25 साल का सेलिब्रेशन होगा वहाँ पे वो कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अब जैसा ही गाइस मैंने अभी से जो सेकेंड वाले में मैंने बताया कि वहाँ पर हमें ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, तो गाइस ऐसी रूमर्स आ रहे हैं कि जब वो अपना 25 साल का सेलिब्रेशन करेंगे मंडे नाइट रॉ में या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, तो वो वहाँ पे बोल सकते हैं कि वो न्यू जनरल मैनेजर होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ का। अब जैसा ही गाइस मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट होगा, उनका 25 साल का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, तो गाइस ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि विंस मैकमैन चाहते हैं कि फिर से ये ब्रांड स्प्लिट जो अभी जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कोलैब, वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि हमें न्यू जनरल मैनेजर देखने को मिलने वाला है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, और ये जो चीज़ रिवील होगा उनका जो सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे रिवील होते नजर आ सकता है। और गाइज, नंबर 4th पे हमें ट्विस्ट देखने को मिल सकता है 2020 में सीएम पंक की ओर से। वेल गाइज, आपको पता होगा कि सीएम पंक काफ़ी दिन से कंपनी में नहीं है, WWE बैकस्टेज में स्टिल वो काम करते हैं। तो गाइज, विंस मैकमैन कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हैं सीएम पंक को। अब जैसा ही गाइज आपको पता हो कि वो क्यों कन्विंस करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको रेटिंग चाहिए और रेटिंग बहुत कम आ रही है और सीएम पंक आते हैं तो रेटिंग में काफ़ी उछाल आने वाला है। और जैसा ही गाइज आपको पता हो कि रॉ अंडरग्राउंड का हमें न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, उसमें मतलब ये बोले कि उसमें चाहते हैं कि वो रेसल करें, यानी कि सीएम पंक चाहते हैं कि उसमें रेसल करें। और जैसा ही गाइज आपको पता हो कि सीएम पंक का स्टाइल ये बोले कि रेसलिंग हमें मिक्स्ड मार्शल आर्ट से देखने को मिलता है, यानी कि एमएमए से बिलोंग करते हैं। तो गाइज, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि ऐसा हो
सकता है कि कुछ दिन के बाद रॉ अंडरग्राउंड में अक्टूबर या नवंबर तक हमें सीएम पंक का डेब्यू या रिटर्न देखने को मिल सकता है, और विंस मैकमैन ही नहीं बल्कि ट्रिपल एच भी कन्विंस कर रहे हैं कि वो कंपनी के साथ साइन हो जाए। अब जैसा ही गाइस आपको पता हो कि WWE में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है किसी और को नहीं बल्कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को, और नंबर टू पे मिलता है द बिग डॉग रोमन रेंस को। तो गाइस वो एक बार ऑल एलीट रेसलिंग के साथ गए थे, तो ऑल एलीट रेसलिंग से उन्होंने मतलब बीस्ट ब्रॉक लेसनर से भी ज़्यादा पैसा मांग लिए थे, तो ऑल एलीट रेसलिंग ने उनके साथ साइन नहीं किया कि वो कंपनी अभी नई बनी है और उनके पास उतना पैसा नहीं है। तो गाइस ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इनके साथ शायद वो साइन कर लेंगे, और ऐसा हो सकता है गाइस कि कुछ दिन के बाद हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है सीएम पंक का रॉ अंडरग्राउंड में। वैसे गाइस आप मुझे ये जो मैंने आपको मोमेंट बताया, आप मुझे कमेंट्स में थॉट्स बता सकते हो कि ऐसा हमें देखने को मिलने वाला है या नहीं। और गाइस नेक्स्ट ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है द बिगेस्ट पार्टी ऑफ समर समर स्लैम 2020 में, यानी कि क्रिश्चियन रिटर्न्स एंड अटैक रैंडी ऑर्टन। वेल गाइज आपको पता हो कि रैंडी ऑर्टन कितने लोग को अभी तक अपने हंड मतलब ये कर चुके हैं, पंट की के द्वारा अटैक कर चुके हैं। पहले रेटेड सुपरस्टार एस पे वो अटैक करते हैं, उनका उनसे भी उनका मन नहीं भरता है, तो फिर वो क्रिश्चियन पे भी अटैक करते हैं, क्रिश्चियन से भी मन नहीं भरता है, तो उसके बाद वो केविन ओवेंस पे अटैक करते हैं। अब जैसा ही गाइज आपको पता होगा कि ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि एट द बिगेस्ट पार्टी ऑफ समर समर स्लैम 2020 में हमें मैच देखने को मिलने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में। तो गाइज ऐसे अपडेट आ रहा है कि उस मैच में हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है क्रिश्चियन का। क्रिश्चियन आके अटैक कर देंगे रैंडी ऑर्टन पे, और रैंडी ऑर्टन इस मैच को हार जाएंगे, और ड्रू मैकइंटायर स्टिल वो WWE चैंपियन रहेंगे, और उसके बाद वहां से हमें फ्लूड देखने को मिल सकता है क्रिश्चियन वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में। क्योंकि गाइज आप ये समझिए कि ये फ्लूड हमें क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि विंस मैकमैन को रेटिंग चाहिए और वो रेटिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और गाइज नेक्स्ट ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है अल्बर्टो डेल रियो की ओर से। वेल गाइज अगर आप मेरे चैनल पे बहुत दिन से एक्टिव व्यूअर्स होंगे तो WrestleMania 36 से अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि अल्बर्टो डेल रियो का रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद एक पॉडकास्ट में रिवील किया था कि उनके और WWE के बीच में बात हो रही है और जो भी प्रॉब्लम थे वो लोग अब सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज विंस मैकमैन चाहते हैं कि अल्बर्टो डेल रियो का रिटर्न देखने को मिले। वेल गाइज बैक स्टेज ये रूमर्स आ रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार अक्टूबर या नवंबर या ड्राफ्ट में हमें अल्बर्टो डेल रियो का सरप्राइज डेब्यू या रिटर्न देखने को मिल सकता है। कि जैसा गाइज मैंने आपको एक ही बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, वो है रेटिंग, तो वो उनको रेटिंग चाहिए। तो जैसा ऐसा हो सकता है गाइज कि अल्बर्टो डेल रियो का हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। वेल गाइज मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भर भर के लुचा सुपरस्टार हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता ये लुचा सुपरस्टार हैं क्या, मैं आपको बता देता हूँ, लुचा सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि जो मेक्सिकन रेसलर रहते हैं उनको लुचा सुपरस्टार बोला जाता है। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि ये लुचा सुपरस्टार का हमें जल्द ही डेब्यू देखने को मिल सकता है WWE में। और गाइज नेक्स्ट ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है, ये भी हमें ड्राफ्ट में ही देखने को मिलेगा, यानी कि केविन ओवेंस ड्राफ्टेड टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, डेनियल ब्रायन ड्राफ्टेड टू मंडे नाइट रॉ। वेल गाइज आपको पता हो कि जब से डेनियल ब्रायन का हमें हील टर्न देखने को मिला है, हील टर्न के बाद से आज तक WWE उनको अभी तक पुश नहीं दिया है, यानी कि फेस टर्न में उनको पुश नहीं मिला है। तो गाइज विंस मैकमैन चाहते हैं कि इनको पुश कर दिया जाए मंडे नाइट रॉ में, और केविन ओवेंस को पुश कर दिया जाएगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि जो इस साल का हमें ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, इस साल के ड्राफ्ट में ये ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है कि केविन ओवेंस जा सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और डेनियल ब्रायन जा सकते हैं मंडे नाइट रॉ पे। और गाइज नेक्स्ट ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है अपोलो क्रूज की ओर से और द हार्ट ऑफ बिजनेस की ओर से। अब जैसा ही गाइज आपको पता हो कि अपोलो क्रूज के कंधे पे दो चैंपियनशिप है, यानी कि एक ओल्ड US चैंपियनशिप एक न्यू US चैंपियनशिप। तो गाइज जैसा कि आपको मालूम हो कि ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि एट द बिगेस्ट पार्टी ऑफ समर समर स्लैम 2020 में US चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा अपोलो क्रूज वर्सेज MVP के बीच में। और ऐसा भी अपडेट आ रहा है कि विंस मैकमैन चाहता है कि इनका जो US चैंपियनशिप का रन है काफ़ी दिन तक रहे, और ये रन एक ही शर्ट पे मंजूर हो सकता है क्योंकि उनका हील टर्न होगा। तो गाइज ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि समर स्लैम 2020 में हमें अपोलो क्रूज का हील टर्न देखने को मिल सकता है। अभी से कुछ दिन पहले यही जस्ट एक अपडेट आया था फिंड का कि फिंड का भी हमें फेस टर्न देखने को मिलेगा। ऐसा ही हुआ गाइज, हमें फिंड का फेस टर्न देखने को मिल गया और ब्रॉन स्ट्रोमैन ही का ही हमें हील टर्न देखने को मिल गया। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि एट द बिगेस्ट पार्टी ऑफ समर समर स्लैम 2020 में हमें हील टर्न देखने को मिल सकता है अपोलो क्रूज का। और गाइज नेक्स्ट ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है सर्वाइवर सीरीज में। वेल गाइज आपको पता हो कि यही एक ही ऐसा नाइट रहता है जहाँ पे रॉ स्मैकडाउन और NXT अभी भी रेसल करते हैं, यानी कि NXT के सुपरस्टार रेसल करते हैं। तो गाइज ये ट्विस्ट हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल सकता है, यानी कि टीम रिट्रीब्यूशन वर्सेज टीम निंजा के बीच में। आपको पता हो कि अभी से कुछ दिन पहले बैकलैश में हमें निंजा का रिटर्न देखने को मिलता है, जिसको मतलब सपोर्ट करते हैं अकीरा तोजावा, अकीरा तोजावा उसका हेड रहते हैं। तो गाइज ऐसा अभी बैकस्टेज रूमर्स आ रहे हैं कि एट द सर्वाइवर सीरीज
2020 टीम रेट्रोविजन वर्सेस टीम निंजा का मैच हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको मालूम हो कि अभी टीम निंजा तो गायब है लेकिन टीम रेट्रोविजन काफ़ी डोमिनेटिंग कर रहे हैं मेन रोस्टर में। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि ये जो मैच होगा हमें सर्वाइवर सीरीज 2020 में देखने को मिल सकता है। और लास्ट ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है न्यू शील्ड की ओर से। वेल गाइज आप तो शॉक्ड हो गए हो कि ये क्या बोल रहा भाई। हाँ गाइज हमें न्यू शील्ड देखने को मिलने वाला है, और न्यू शील्ड हमें मेंस डिवीजन की तरफ से नहीं बल्कि विमेंस डिवीजन की तरफ से देखने को मिलेगा, और इसके मेंबर और कोई नहीं बल्कि तमीना, नया जैक्स एंड सेना बेजलर होने वाली हैं। अब जैसा है गाइज आपको पता होगा कि तीनों सुपरस्टार को उतना ज़्यादा पुश नहीं मिल रहा है WWE में, स्टिल हमें लगा था कि रेसलमेनिया 36 में सेना बेजलर चैंपियन बन जाएंगी, लेकिन गाइज ऐसा नहीं हुआ। तमीना को भी पुश नहीं मिल रहा है और नया जैक्स को भी नहीं। तो गाइज विंस मैकमैन चाहते हैं कि एक न्यू शील्ड हमें बॉर्न देखने को मिलेगा WWE के मेन रोस्टर में, और ये लोग तीनों ब्रांड पे जाएंगे, यानी कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, मंडे नाइट रॉ एंड इवन ये लोग NXT पे भी जाने वाले हैं। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि अभी से कुछ दिन के बाद, ये तो कंफर्म नहीं है गाइज कि ये हमें कब देखने को मिलेगा, लेकिन गाइज ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि ये जो न्यू शील्ड होगा हमें कुछ दिन के बाद देखने को मिल सकता है, और ये लोग तीनों ब्रांड पे जाने वाले हैं। क्योंकि गाइज आपको पता हो कि जैसा कि मैंने आपको बताया इनको पुश नहीं मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है गाइज कि यही बार नहीं इन तीनों सुपरस्टार को पुश मिलने वाला है, और ये तीनों सुपरस्टार एक फेस का नहीं बल्कि एक हील का रोल करने वाले हैं। तो गाइज आप मुझे कमेंट्स में थॉट्स बता सकते हो कि जो मैंने ये 10 प्लान आपको बताया आपको ये कैसा लगा, और ये भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट प्लान कौन सा होने वाला है, और आप कौन सा प्लान चाहो कि जल्दी हमें देखने को मिले। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फाइनली बाय फ्रेंड।